पिंक पैंथर बंद हुआ और पिंक पैंथर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। पिंक पैंथर पहले एक कार्टून शो में नहीं बल्कि मूवीज में आया करता था। जैसे निंजा हथौड़ी में ये कौवा कैरेक्टर है, वैसा ही मूवीज में पिंक पैंथर वैसा है, मतलब इमेजिनरी कैरेक्टर जो मूवीज में होता रहता था। उसी को पिंक पैंथर फनी वे में रिएक्ट करते हुए ऑडियंस को हंसाने का काम करता है। पिंक पैंथर द एनिमेशन सीरीज। पिंक पैंथर शो में पहले इंस्पेक्टर क्लोसू यानी जैकुलस क्लोसू को मेन कैरेक्टर रखा जाता था, मगर पिंक पैंथर फिल्म के वजह से पिंक पैंथर को ही लीड कैरेक्टर बना दिए थे। कार्टून्स जैसे टॉम एंड जेरी और पोपोई को भी पिंक पैंथर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 18 दिसंबर 1963 को पहले पिंक पैंथर मूवी में अपियर हुआ था। पिंक पैंथर में अब तक 190 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 6 से 7 मिनट के होते है। Why Pink Panther stopped? Pink Panther बंद होने का रीजन किसी को नहीं पता, मगर मेरे हिसाब से Pink Panther बंद हुआ क्योंकि Pink Panther के एक प्रोडक्शन कंपनी DPT फ्रिलिंग को बंद किए थे और Marvel Studios को बेच दिए थे, इसीलिए 1980 में Pink Panther बंद हो गया। Pink Panther का स्पिन ऑफ Pink Panther and Sons 1986 में बंद हो गया और फाइनली Pink Panther and Peels 2010 में बंद हो गया। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए।